चुनाव की तारीखों की हुई घोषणा, सभी पार्टियों में टिकट को लेकर खींचतान शुरू, किसको मिलेगा कहां से टिकट। मध्य प्रदेश में हुई चुनाव की तारीख की घोषणा, निर्वाचन आयोग ने एमपी में कर ली पूरी तैयारी। टकटकी लगा प्रत्याशी, देखते रहे किसको मिलेगा कहां से टिकट और किसका होगा पत्ता साफ, कौन करेगा बगावत और कौन मारेगा बाजी। निर्वाचन आयोग ने एमपी में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गया है। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों से होर्डिंग बैनर हटवाने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों की घोषणा की है। आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे एमपी में 5,61,36,239 वोटर हैं। वोट ईवीएम से डाले जाएंगे। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। एमपी में विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक चरण में ही पूरे चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि एमपी में 148 सामान्य, 35 एससी और 47 सीटें एसटी के लिए। इसके साथ ही प्रदेश में 5.6 करोड़ वोटर्स हैं। वहीं एमपी में आदिवासी समुदाय के सहरिया बैगा जनजाति के वोटर्स बढ़े हैं। साथ ही प्रदेश में 60 लाख नए वोटर्स इस साल शामिल होंगे। ये सभी 18 प्लस के हैं। 5 राज्यों में 3900 यंग कर्मचारी चुनाव को मैनेज करेंगे। एमपी में जेंडर रेशियो बढ़ा है। हम वोटर्स की पोलिंग स्टेशन तक लाने के सारे प्रयास कर रहे हैं। एमपी में 84,523 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 16,763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47,760। इसके साथ ही 15,000 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। 35,000 पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की सुविधा भी की गई है। वहीं एमपी में 5,000 पोलिंग बूथ पर महिलाएं मैनेज करती हुई दिखाई देंगी। बुजुर्ग वोटर्स अपने घर से वोट दे सकते हैं। उन्हें इसके लिए 12D फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही इस बार बफर जोन में पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। एमपी में पिपरिया और मंडला में ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप वोट देने जरूर आएं। इसके साथ ही चुनाव से संबंधित अगर आपके पास कोई शिकायत है तो सी विजिल के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। 100 मिनट में आपको मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को 3 बार इनके इलाके में पेपर के जरिए अपने अपराधों की जानकारी देनी होगी। साथ ही सियासी दलों को भी बताना होगा कि उन्हें इसके सिवा कोई उम्मीदवार नहीं मिला है। इसके साथ ही सियासी दलों को अपने चंदे के बारे में जानकारी भी देनी होगी और एक समय निर्धारित भी किए जाएंगे। एमपी में 5 राज्यों में बॉर्डर पर कुल 315 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ये सभी चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। साथ ही सभी एजेंसियां समन्वय के साथ काम करेंगी। इसके साथ ही कार्गो मूवमेंट की भी चेकिंग होगी। रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के जरिए भी जाँच की जाएगी और इसके साथ ही कार्गो मूवमेंट की भी चेकिंग होगी। रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के जरिए जांच होगी। ऑब्जर्वर प्राइवेट गाड़ियों में नहीं बैठेंगे। एमपी में एक चरण में चुनाव होंगे। चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 30 अक्टूबर नामांकन की तारीख तय की गई है। 31 अक्टूबर को नामांकन आप सभी लोग भर सकते हैं। 2 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे और चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 दिसंबर तक चुनाव की सारी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाला।